everyone, welcome or welcome back to my channel. It's me Jia. This video will be going to be a study with me for a few minutes because this is a 3-minute video. ये छोटी सी वीडियो है इसलिए मैंने इसे स्टडी विथ मी किया क्योंकि मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ और जो जो मैंने किया है ना तो वो बता रही हूँ. सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रिवाइज किया है. तो मैं एमपी बोर्ड स्टूडेंट हूँ तो मेरे को इतना सीबीएसई वाला पैटर्न नहीं पता क्या होता है उसमें. तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड हो तो मेरे को थोड़ी बताया करो कि मेरे को कैसा करना चाहिए और इम्प्रूव करने के लिए. मैं स्टेट बोर्ड हूँ. देन मैंने जो चैप्टर फर्स्ट किया था उसी का परीक्षा अध्ययन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए. टेक द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स एंड मनी मोर. बस शॉर्ट नहीं किया, मतलब इसके आगे बढ़ी नहीं, वेरी शॉर्ट के आगे मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर बंद कर दिया. देन मैंने बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, मतलब लाइफ प्रोसेस वाला था ना, वो वाला मैंने रिवाइज किया. मैंने फुल रिवाइज नहीं किया क्योंकि ये थोड़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने सिर्फ मतलब कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है ना वहाँ तक का किया था. और मैं बस इतना ही पढ़ पाई हूँ क्योंकि मैं सुबह ना पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ी सी मैं बहुत ज़्यादा ही सो गई. मैंने इतना ही पढ़ा बायोलॉजी में और मैं शाम को पढ़ने बैठी थी तो मैंने थोड़ी मैथ की थी तब मैं वीडियो नहीं मतलब शूट कर रही थी. देन मेरे को लगा कि अब कर लेनी चाहिए. और अगर आपको लगे कि मैं वीडियो थोड़ी लेट से डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ी, तो करना एडजस्ट करना. हाँ, देन मैंने इसे भी बंद किया और मैंने किया हिस्ट्री. तो मैं इसको बताती हूँ मैंने क्या किया. हिस्ट्री में जो पार्ट वो वाला है ना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर, हाँ, तो मैंने उसको किया. और मैं स्टडी रैंकर वेबसाइट से कर रही थी और फिर मैं लिख रही थी. एंड देन उसके बाद मैंने पंखा चलाया, हाँ, फ़ैन ऑन किया और फिर रजाई में बैठ के मैंने लिखने लगी. और रजाई में बैठने के बाद ना मैंने स्टार्ट किया लिखना, राइट क्वेश्चन आंसर्स राइट किए. और मैं बताती हूँ मैं क्या बोल रही थी, मैं आज ही बात छोड़ देती हूँ, सही में बता रही हूँ. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि हिस्ट्री मैंने सोचा था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने लिख लिया है हिस्ट्री, पूरा कम्प्लीट है, मेरा कॉपी वर्क पूरा है. बट मेरी तीनों कॉपी कम्प्लीट था, मतलब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी फुल कंप्लीट है. बट मैंने हिस्ट्री, मेरे को लगा कि मैंने कंप्लीट तो कर लिया बट वो कंप्लीट नहीं था गाइस. ये मैं अभी सिर्फ यहीं पे अटकी हूँ बट मैं कर लूँगी. और इसके आगे वाला जो व्लॉग आएगा ना तो वो मेरा, मतलब शायद से हो सकता है कि मैं मैथ का प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें, क्योंकि मेरा 18 नवंबर को है यूटी, हाँ, यूनिट टेस्ट होता है ना, तो वही मैथ्स का है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो एंड कमेंट डाउन बिलो. ओके, बाय.